नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन R57 पल्मोनरी टॉनिक के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। R57 डॉक्टर रेकवेक की आर ग्रुप की मेडिसिन है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्रॉनिक लंग्स डिसीजेस के लिए, जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD के लिए। अगर आपको अस्थमा बहुत सालों से है और लंग्स जो है वो आपके धीरे धीरे ख़राब हो गए, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ब्रेन के लिए, ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लीवर के लिए, ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लंग्स के लिए, और ये ब्रेन, लीवर, लंग्स के फंक्शन को बढ़ाती है। तो फंक्शन अगर कमज़ोर हो गया है हमारे इंटरनल ऑर्गेन का, मतलब अंदरूनी अंग जो काम करना चाहिए वो अच्छे से नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप R57 ज़रूर यूज़ करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिंस डली हुई हैं, उसके बाद मैं इसको यूज़ करने का तरीका, लेने का तरीका बताऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको ये मेडिसिन कहां पर मिलेगी ये बताऊंगा, और कितनी प्राइस की ये मेडिसिन R57 आपको मिलेगी ये बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिंस मिली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आर्स आयोडेटम। दोस्तों, एज अ टॉनिक ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हमारे लंग्स के लिए, खासकर हमारे लीवर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और अगर आप इसे लेते हैं तो आपकी भूख बढ़ती है। दूसरी मेडिसिन है कैल्केरिया कार्प। दोस्तों, अगर लंग्स में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है, COPD की प्रॉब्लम है, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो लंग्स में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब कुछ एरिया जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। उस कैल्सिफिकेशन को हटाने के लिए कैल्केरिया कार्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और ऐसा ही लीवर में भी हो सकता है और ऐसा ही ब्रेन में भी हो सकता है, तो इन सभी ऑर्गेन के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम COPD के पेशेंट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, अच्छे से सांस नहीं ले पाते, बार बार सांस लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर मात्रा में शरीर में नहीं घुल पाती, क्योंकि लंग्स जो है वो ख़राब हो चुका होता है। तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है COPD के लिए। साथ ही साथ ये लीवर के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लीवर फंक्शन को भी ये बढ़ाता है और एपेटाइट को भी ये बढ़ाता है। तो मान लीजिए कोई पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे COPD की प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है, भूख बिल्कुल कम हो गई है, और वो पेशेंट की एज लगभग 57 या उससे ज़्यादा है, और वो बेड में लेटे हुए ही रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए R57 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, एक मेडिसिन है साइलिशिया। दोस्तों, साइलिशिया भी लंग्स में जो कैल्सिफिकेशन हो गया है, जो कैल्शियम जम गया है बहुत दिनों से, क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण कैल्सिफिकेशन हो जाता है किसी भी ऑर्गन में, वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, तो कैल्सिफिकेशन को साइलिशिया हटाता है, साथ ही साथ ऑर्गन के फंक्शन को फिर से मेंटेन करता है, तो COPD के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ ये मेडिसिन और जगह, जैसे अगर ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो गया तो उसके लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है, ये मेडिसिन अगर लीवर में कैल्सिफिकेशन हो गया तो उसके लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में इसमें टियोक्रियम डली हुई है। दोस्तों, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो, लंग्स ट्यूबरकुलोसिस हो, और लंग्स जो है वो कमज़ोर पड़ गए हो, कमज़ोरी को ठीक करने के लिए टियोक्रियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। R57 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अगर आपके घर में कोई ऐसे पेशेंट हो जिनको COPD की प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ की प्रॉब्लम हो, और सालों से ये प्रॉब्लम हो, मतलब लगभग 10 साल 15 साल से प्रॉब्लम हो, अब धीरे धीरे इतनी बढ़ गई हो कि सांस लेने में उन्हें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो, चलने फिरने में हफरी जैसी आ जाती हो, सीढ़ी चढ़ने में हफरी जैसी आ जाती हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है धीरे धीरे उनके लंग्स को फिर से ठीक करने के लिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यही कंडीशन अस्थमा के पेशेंट को भी हो
तो वो भी ले सकते हैं। और यही कंडीशन अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो और बाद में ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो गया हो लेकिन लंग्स अभी कमज़ोर हो तो ले सकते हैं। साथ ही साथ ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, एम्पायमा की प्रॉब्लम हो, तब भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो क्रॉनिक डिसीजेस के लिए, क्रॉनिक लंग्स डिसीजेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय तक लंग्स की बीमारी से पीड़ित है और उनका लंग्स जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, तो ये मेडिसिन ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ दो मेडिसिन और दीजिए। एक मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मिया, उसको आप मदर टिंचर में दीजिए 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। और साथ ही साथ एक मेडिसिन कार्वोवेज ज़रूर दीजिए, उसको आप 1 एम पोटेंसी में दीजिए 2 बूंद डायरेक्टली टंग में। तो ये 3 मेडिसिन आप देंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चलते हैं R57 आप यूज़ कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल है, इसे आप सिर्फ 2 बार लीजिए, सुबह और शाम को आधा कप पानी लीजिए, लगभग 10 ml पानी, उसमें R57 10 से 15 बूंद डालिए, गुनगुना पानी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसको आप पीजिए सुबह एक बार और एक बार शाम को। ये मेडिसिन लंबे समय तक लेने वाली मेडिसिन है, मतलब 1 या 2 दिन में आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, कम से कम 3 से 4 महीने आप ये मेडिसिन लीजिए। कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, लंग्स जो कमज़ोर हो गए हैं वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे, हफरी भी नहीं आएगी, सांस लेने में तकलीफ भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और COPD के पेशेंट को COPD में भी रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा की मेडिसिन भी आप लीजिएगा इसी मेडिसिन के साथ। ये नहीं कि सिर्फ ये अस्थमा भी ठीक कर देगी, ये अस्थमा ठीक नहीं करेगी लेकिन लंग्स की कमज़ोरी को ये ठीक कर देगी, लेकिन ये COPD ठीक कर देगी। तो COPD के लिए मैंने आपको बताया कि एस्पिडोस्पर्मिया और कार्वोवेज और साथ में R57 ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन सिर्फ लंग्स के लिए ही इफ़ेक्टिव नहीं है, ये मेडिसिन ब्रेन के लिए और लीवर के लिए भी इफ़ेक्टिव है। तो अगर ब्रेन में नर्व डैमेज हो गए हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, खासकर एल्जाइमर्स के कंडीशन में या पार्किंसंस के कंडीशन में। पार्किंसन नाम की बीमारी होती है, एल्जाइमर्स नाम की बीमारी होती है जिसमें ब्रेन के नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में, कोरिया, इस कंडीशन में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार। बाकी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसी के साथ आप ये मेडिसिन लेंगे तो धीरे धीरे नर्व जो सेल्स हैं ब्रेन में वो धीरे धीरे फिर से डेवलप होना चालू होंगे और आपका जो ब्रेन है वो फिर से अच्छे से फंक्शन करना चालू कर देगा। ऐसा ही लीवर के साथ भी है, अगर आपको क्रॉनिक लीवर डिसीजेस की प्रॉब्लम है, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसी के साथ आप R57 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये पल्मोनरी टॉनिक है लेकिन इसके जो मेडिसिन डली हुई हैं वो और भी जगह अच्छा वर्क करती हैं, तो आप ज़रूर इस मेडिसिन को यूज़ करें। ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी, ये मेडिसिन 22 ml की फाइल में आती है और ₹235 की मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD से पीड़ित हो तो ये मेडिसिन ज़रूर दीजिएगा, क्रॉनिक अस्थमा से पीड़ित हो तो ये मेडिसिन ज़रूर दीजिएगा, क्रॉनिक लीवर डिसीज से पीड़ित हो तो ये मेडिसिन ज़रूर दीजिएगा, और क्रॉनिक ब्रेन डिसीजेस से पीड़ित हो तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीजिए तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दीजिए तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाकर बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दीजिए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।